एक बार हुआ कि एक बड़े जॉइंट को वो हमारे पास आए पहले कि आप पचहत्तर करोड़ रुपए ले लो और हमें आप यूट्यूब से आपकी कितनी आमदनी हो जा रही थी ठीक अच्छी अच्छी अब तो यूट्यूब से आप पे आ गए तब ये हुआ यूट्यूब से आमदनी की बात करें तो एक साल तक दो से अठारह तक यूट्यूब पे पढ़ाया और हमें पता नहीं था कि यूट्यूब से आमदनी होती है तो दो से अठारह तक हम कोचिंग भी पढ़ा रहे थे और यूट्यूब भी कर रहे थे सत्रह के लास्ट में आते आते कोचिंग एकदम बंद कर दी और यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए एक साल में दस हजार सब्सक्राइबर है और आठ हजार रुपए पूरे साल भर में आए जब हमें पता चला कि यूट्यूब से पैसा भी कमा सकते हैं मोनेटाइजेशन तो हो गया आठ आया अगले महीने सत्रह अगले महीने तेरह अगले महीने चालीस अगले महीने एक लाख अगले महीने दो लाख उसके बाद सब सही हो गया ठीक है तो यूट्यूब से तो अच्छे पैसे आ रहे थे पर जब ऐप पे आए तो ये तो हुआ हम लोग साथ बड़े बड़े जैन जिनके पास ज्यादा पैसे थे वो टीचर को तोड़ने आए और हमारे तीन चार टीचर को तोड़ के ले गए मुनाफे का तो मैं यही बोलूंगा कि मैंने जो लाइफ देखी है मुझे मुनाफा मुनाफे से बहुत फर्क पड़ नहीं रहा है अभी और ना तब कभी पड़ेगा मुनाफा क्या ही कमाएंगे हम हमने यूट्यूब से इतना पैसा कमा रहे थे कि वही हमारे लिए मच मोर देन सफिशियंट था लाइफ में और हमको जो ऑफर आ रहे थे कभी कोई चार करोड़ बोल रहा है पहला ऑफर दिया पांच सौ रुपए का कि हमारा एक तीस सेकंड का वीडियो कर लो हमारी टीशर्ट पहनो और पांच सौ रुपये लेना एक वीडियो का सिर्फ एक वीडियो और इस तरह के तीन वीडियो कर लो तो पंद्रह सौ हो जाएंगे महीने में जितने वीडियो करो उतना और आखिरी ऑफर आया पचहत्तर करोड़ का तो मेरे को अगर मुनाफा चाहिए तो पचहत्तर करोड़ रुपए लेके जा सकते हैं आज भी मेरे पास करोड़ रुपए नहीं है और वो मेरे को बहुत पहले मिल सकते थे तो मैंने लिया नहीं तो मुनाफे की बात मेरे एक टीचर थे वो पूछ भी रहे थे पैसे तो हमने कहा देखो सर हम लोग हम लोग ठीक है हम लोग साल का कुछ लाखों में कमाते हैं कोई साल का बहुत करोड़ों में कमा रहा है खा वो भी रोटी दाल सब्जी रहा है खा भी रोटी दाल सब्जी रहे हो ठीक है नहाते आप भी उसी पानी से नहाते आप वो भी पीते वही पानी कुछ डिफरेंस नहीं आना है सर इस सबसे मेन बात होती है कि आपकी मिशन क्या है जीवन में तो पैसा कमाना हम लोग का मिशन नहीं था यही था कि गांव गांव के उन बच्चों तक पहुंच